हैप्पी होली। दोस्तों आप सभी को एडवांस में होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में यू होली बहुत सारी खुशियां लाए, आपका जीवन होली के रंगों की तरह कलरफुल हो जाए। मैं ऐसा ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा, प्रेयर करूंगा और अरदास करूंगा कि ये होली आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाएं। दोस्तों इस होली को आप बहुत इंजॉय कीजिए, काफ़ी मजे लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सावधानी बरतें, अपनी भी सावधानी बरतें और साथ साथ अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे में कि मोबाइल, कैमरा और लैपटॉप, इन सबों को भी प्रोटेक्ट कीजिए होली के कलर से, होली के रंगों से। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को प्रोटेक्ट करेंगे होली के कलर से, होली के रंगों से, और जो आप इतने महंगे महंगे गैजेट्स अपने साथ रखते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा महंगी चीज़ उसमें होती है आपका डेटा। अगर आपका डेटा कहीं लॉस हो गया तो वो कितनी महंगी पड़ेगी आप सभी को पता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस होली अपने डिवाइस में अपने डेटा को कैसे सिक्योर करेंगे। दोस्तों ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि मैं आपका शुभचिंतक हूँ। दोस्तों आप भी जिसके भी शुभचिंतक हो उसको ये ट्रिक, ये टिप्स और ये वीडियो जरूर शेयर करें। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाले इन्फॉर्मेशनल वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं खोजी संतोष। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों इस होली में आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमराज और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं उनको आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इस होली के कलरफुल पानी से और इस होली के हुड़दंग से। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 6 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जिसको अगर आप फॉलो करते हैं जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसको आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे। 6 टिप्स में से टिप्स नंबर 3 और टिप्स नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस टिप्स को मिस मत कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ साथ शेयर भी कीजिए। तो टिप्स नंबर 1 है कि जब भी आप होली खेलने जाएं या होली खेलने से पहले आप अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट करें। दोस्तों आप सबसे पहला काम करें कि आप अपने स्मार्टफोन को जिप वाले पाउच में रख दें, क्योंकि दोस्तों आपका डिवाइस अगर वाटरप्रूफ भी है, IP67 प्रोटेक्टेड भी है, फिर भी आपके डिवाइस में पानी जाने का खतरा रह सकता है, पानी आने का चांस रह सकता है, क्योंकि ये पानी कलरफुल होता है जो कि आपके डिवाइस को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सबसे जो बेस्ट प्रोटेक्शन होता है वो जिप वाला पाउच होता है। अगर आप जिप वाले पाउच में अगर अपने स्मार्टफोन को डाल देंगे तो ना वहाँ पे हवा जाएगी और ना पानी जाने का खतरा रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों होली खेलने से पहले अपने स्मार्टफोन को जिप वाले पाउच में डाल के तभी घर से बाहर निकले। अब दोस्तों बात करते हैं टिप्स नंबर 2। तो जब भी आप होली खेलने घर से बाहर जाएं तो कोशिश करें कि पॉइंट नंबर 1 फॉलो करें और दूसरी बात अपने डिवाइस के साथ साथ एक ईयरफोन या फिर ब्लूटूथ वाले हेडफोन रखें। होली के दौरान हम लोग का पूरा शरीर पानी से भीगा रहता है, सिर से लेकर पैर तक। उस कंडीशन में जब फोन आता है तो हम फोन को उठाते हैं और रिसीव करते हैं, तो दोस्तों हमारे हेयर में जो पानी होते हैं वो हमारे डिवाइस के अंदर घुस सकता है। ब्लूटूथ या ईयरफोन का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो पानी हमारे बाल के माध्यम से हमारे फोन में नहीं जाएगा। तो कोशिश करें कि जब भी घर से बाहर निकले होली खेलने के दौरान आप ब्लूटूथ या ईयरफोन का इस्तेमाल जरूर करें। अब दोस्तों आते हैं पॉइंट नंबर 3, जो कि मैंने पहले बताया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आपके गैजेट्स जरूर महंगे महंगे होते हैं, आपके स्मार्टफोन महंगे होते हैं, आपके लैपटॉप महंगे होते हैं दोस्तों, लेकिन उससे भी कहीं बहुत ज़्यादा महंगा होता है उसमें का डेटा। जी हाँ दोस्तों, कभी ना कभी आप लोगों को महसूस होगा कि अब अगर डेटा अगर लॉस्ट हो जाता है तो आपको कितना बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होता है। दोस्तों उस डेटा की कीमत शायद किसी लैपटॉप या मोबाइल से बहुत ज़्यादा होती है, तो दोस्तों आप अपने डेटा को जरूर सेव करें। दोस्तों होली खेलने से पहले आप अपने डेटा का बैकअप जरूर ले लें। आपके फ़ोन में जो भी डेटा है, आपके लैपटॉप में जो भी डेटा है उसको आप बैकअप कर लें, या तो आप किसी मेमोरी कार्ड में बैकअप करके या लैपटॉप में बैकअप करके रख लें, या फिर उसे आप क्लाउड में जरूर बैकअप ले लें। दोस्तों डेटा का बैकअप जरूर लें होली खेलने के जाने से पहले, क्योंकि दोस्तों दुर्घटना कभी भी हो सकती है, तो प्लीज़ डेटा का बैकअप जरूर ले। दोस्तों आते हैं पॉइंट नंबर 4। दोस्तों बाय द वे आपका डिवाइस पानी में भीग जाता है या उसमें पानी चली जाती है, तो सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो आप अपने डिवाइस की बैटरी को तुरंत रिमूव कीजिए। अगर आपका बैटरी रिमूव होने वाला है तो रिमूव कीजिए, और नहीं तो अगर आपका बैटरी नॉन रिमूवेबल है तो आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें, ऑन मत करें। उसी समय जैसे ही आपको लगा कि पानी डिवाइस में गया आप अपने डिवाइस को ऑफ कर दें, और अगर हो सके तो बैटरी को निकाल दें। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पॉइंट नंबर 5।
दोस्तों जब भी आपके डिवाइस में लगे कि उसमें पानी घुस चुका है, कोशिश ये करें कि आप अपने डिवाइस को जितना खोल सके खोल लें। खोलने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसका डिस्प्ले और मदरबोर्ड सब अलग कर दें, नहीं दोस्तों, अगर हो सके तो उसकी बैटरी निकाल दें, पीछे का कवर खोलने वाला पीछे का कवर खोल दें और अपने सिम कार्ड निकाल दें, अपने मेमोरी कार्ड निकाल दें और उसे खोल दें जितना हो सके, ताकि उसकी नमी ज़्यादा अंदर जाके वो डैमेज ना कर सके। पॉइंट नंबर 6 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपके डिवाइस में पानी चला गया वो सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो करना चाहिए कि आप उसकी बैटरी को निकाल दें, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें और उसे एक ऐसी जगह पर रखें जहाँ हवा और धूप दोनों लगे। जी हाँ दोस्तों, किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर तेज़ हवा और तेज़ धूप लगे। दोस्तों कोशिश करिए कि डिस्प्ले की तरफ से न रखें, जिधर से बैटरी का पार्ट रहता है उधर से आप उसको एक नीचे कॉटन कपड़ा लगा दें और उस पर उस डिवाइस को रख दें और एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि 24 घंटे तक उसमें धूप और हवा लगे। दोस्तों 90% चांसेस ये होता है कि अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो आपका डिवाइस ठीक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आपको हवा या धूप की सुविधा नहीं मिल रही है तो आपके घर में अगर इन्वर्टर है या फिर स्टेबलाइजर है जो कि 24 घंटा चलता रहता है, तो दोस्तों आपका इन्वर्टर या स्टेबलाइजर भी गर्म रहता है, आप उसके ऊपर अपने डिवाइस को रख दें 24 घंटे तक। डिस्प्ले की तरफ से ना रखें, बैटरी की तरफ से रखें और कोशिश करिए 24 घंटे तक रख के छोड़ दें। आपका डिवाइस 24 घंटे के बाद चांसेस होता है ठीक होने के। दोस्तों एक बात और, आप कभी भी पानी घुसने के बाद उसमें एयर ड्रायर या फिर हीट या फिर गैस चूल्हे पे उसे न रखें, नहीं तो आपका डिस्प्ले और आपका मोबाइल डैमेज हो सकता है। आप एक भरी हुई चावल की कटोरी लें और उस चावल की कटोरी में अपने मोबाइल फ़ोन को डाल दें और उसे ढक दें, क्योंकि दोस्तों चावल बहुत ज़्यादा नमी ऑब्जर्व करता है, और कोशिश करें कि उसे 24 घंटे तक उसी में छोड़ दें। दोस्तों जब आप 24 घंटे के बाहर बाहर डिवाइस को निकालेंगे तो आपका डिवाइस लगभग लगभग ठीक हो चुका होगा। बाकी तो दोस्तों ये तो किस्मत की बात है, लेकिन दोस्तों जो भी मैंने आपको टिप्स बताया अगर ये आप फॉलो करते हैं तो 90% केसेस में मोबाइल फ़ोन ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये टिप्स आपको कैसा लगा आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर निभाइएगा, अपने दोस्तों अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनके भी डिवाइस इस होली में सेफ रहें और वो इस होली को इंजॉय कर पाएं। दोस्तों मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।